अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनी व्लॉग। होप यू ऑल आर फाइन गैंगस्टर्स। और अब्दुल रहीम पाकिस्तानी व्लॉग गैंग में सबको वेलकम हो गया। तो भाई आपका आया हुआ है भावलपुर, और भावलपुर हम पहुंचे हैं इम्तियाज के बिल्कुल करीब पिज्जा टाउन पे, क्योंकि भूख शूख काफी लगी हुई थी। तो हमने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं भावलपुर का भी। हासिलपुर के तो बहुत फास्ट फूड ट्राई हो गए, तो अब किसी और सिटी का ट्राई करना चाहिए। तो अभी बस जरा अंदर चलते हैं और अंदर के शशके चेक करते हैं। तो लेट्स गो। और रश वगैरह तो यहाँ पे बहुत है, और डबल स्टोरी ये फास्ट फूड चेन बनी हुई है। तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके भी माहौल देखते हैं। बाहर से तो बड़ा कूल और लाइटिंग शाइटिंग होके बड़ा जबरदस्त माहौल नजर आ रहा है। और ये सारा जो पोर्शन है नीचे वाला है, सारा है बॉयज के लिए, क्योंकि ऊपर है फैमिली हॉल, नीचे है जो लोग रेगुलर आते हैं। और सेपरेट सैलेड बार भी, और माहौल पूरा दिया हुआ है। दीवारों पे बेहतरीन किस्म की पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई है, और पूरे शशके दिए हुए हैं। केक जबरदस्त किस्म का डिकोर है, और बहुत ही अच्छा इंटीरियर बनाया हुआ है इन्होंने। और ऊपर जाने से पहले जरा इनका किचन ट्राई आउट मार लेते हैं कि किचन का क्या माहौल है। और अंदर फुल रश है, और ये सारे किचन के सीन है, और ईद का माहौल चल रहा है, और फुल रश हुए हैं, और बॉयज फुल लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है। और हर तरफ हैवी सीन्स है, फुल मशीनरी लगी हुई ऑटोमेटिक। ये सारे फ्रायर लगे हुए हैं यहाँ पे, और पिज्जा ओवन की साइड पे, ये साथ ही डबल स्टोरी पिज्जा ओवन है। और ये आप क्वांटिटी का अंदाजा और रश का अंदाजा लगा सकते हैं। ये इतने बड़े बड़े चिल्लर पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा एक वो पड़ा, और ये फुल स्टॉक से है। और ये देखिए डो बनाई हुई है पहले से ऑलरेडी, और ये सारे पिज्जे बन रहे हैं यहाँ पे, टॉपिंग्स वगैरह इसकी आ रही है, और फुल सीन्स लगे हुए हैवी। और यहाँ से जो फ्राई बनेगी, फ्राई चिकन होगी, पिज्जे होंगे, उनको बाद में डायरेक्ट काउंटर की तरफ हॉट प्लेट पे डाल देंगे, और इसमें चीज़ फ्रेश रहेगी और गर्म रहेगी। और आगे काउंटर डोर है। और सेम नीचे जितना है उससे ज़्यादा बड़ा ऊपर फैमिली हॉल है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब तक आपको ऑर्डर नहीं आता तो आप लोगों के बच्चे प्ले एरिया में खेलें, और फुल माहौल है, बच्चों के लिए सेपरेट प्ले एरिया बनाया हुआ है, और वहाँ बच्चे एंजॉय करें अपना। ये वाला जो फ्लेवर है ये है चिकन शवारमा फ्लेवर, यानी नवाबी अलमायदा का। और ये वाला है चिकन सुप्रीम। ज़्यादा टेम्पटिंग मुझे लग रहा है चिकन शवारमा फ्लेवर, तो पहले इसे ट्राई आउट मारते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका बहुत लाइट स्पाइस टेस्ट है, दो अच्छी है, लेकिन जो चीज़ और ऊपर टॉपिंग्स है वो कम है। चीज़ का टॉपिंग्स का मज़ा नहीं आया सही, दो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। और ये है जी चिकन सुप्रीम, इस पर ब्लैक ऑलिव मशरूम, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको ट्राई करते हैं ज़रा। चिकन सुप्रीम की थोड़ी टॉपिंग अच्छी हुई है, थोड़ा स्पाइस भी है इसके ऊपर, यह प्रॉपर देख सकते हैं स्पाइस है, और टॉपिंग्स भी इसकी ज़बरदस्त है। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, सेम वही सीन हुआ है कि अंदर इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त था, माहौल बड़ा आउट क्लास था, बच्चों के लिए प्ले एरिया था। शुरू शुरू में तो मैं बड़ा इससे इम्प्रेस हुआ कि मैंने कहा टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन टेस्ट से भाई आपका खुश नहीं हुआ। और जो पिज़्ज़ा ट्राई आउट किया है ना, उससे बेहतरीन पिज़्ज़ा मैं खा चुका हूँ, और ये पिज़्ज़े को मैं रेटिंग दूंगा 10 out of 5, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। आई थिंक हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, लेकिन एक चीज़ देखने से भी ज़्यादा वाजिया हो जाती है, और आपके सामने ही था जो सीन्स थे, तो मुझे तो इतना ख़ास पसंद नहीं आया। शायद भावलपुर के लोगों को पसंद आया हो, या कोई और अच्छी प्लेस हो तो मुझे रिकमेंड करें। मैं आप लोगों को ये प्लेस रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस करना है, या आपकी फेवरेट जगह, या कोई बेहतरीन इसका कोई चीज़ है जो आप स्पेशली ट्राई आउट करते हैं,
तो आप ज़रूर जाएं, इंजॉय करें। भाई को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।